अपने ऐसे की जानब चलते हैं, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर ऐसे नज़र आना आ रहा होगा हेल्थ इज़ वेल्थ। तो ये आपने हेल्थ इज़ वेल्थ ऐसे याद करना है, और ये थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के समझा भी देता हूँ कि इसमें क्या बताया जा रहा है और क्या कहा जा रहा है। हेल्थ इज़ वेल्थ, ठीक है, तुम जानते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, तंदुरुस्ती हज़ार नियमत है। हेल्थ इज़ वेल्थ इज एन ओल्ड प्रोवर्ब, इट इज़ वेरी ट्रू। गुड हेल्थ इज़ वन ऑफ द बूंस एंड ब्लेसिंग ऑफ गॉड। तंदुरुस्ती एक हज़ार नियमत है, ये बहुत पुरानी कहावत है, और ये सच है कि ये जो तंदुरुस्ती है ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। एन अनहेल्दी पर्सन इज अ बर्डन ऑन सोसाइटी। एक जो ऐसा शख्स जो सेहतमंद ना हो, थोड़ा सा लेजी हो, ये हमारे माशरे में एक बोझ होता है, और ये अपने मुल्क के लिए भी बोझ की माने समझे जाते हैं ऐसे लोग। वेल्थ इज ऑफ नो वैल्यू इफ देयर इज नो हेल्थ। हमारी ज़िंदगी में दौलत की भी कोई अहमियत नहीं रहती अगर हमारे पास अच्छी सेहत ना हो। इफ़ हेल्थ इज़ वंस लॉस्ट इट इज़ नॉट ईजी टू रिगेन। अगर हमने एक बार सेहत खो दी तो इसे दोबारा हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी वी मस्ट फॉलो सर्टेन रूल्स। अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए हमें चंद उसूलों पर अमल करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट कीप आवर सेल्फ एंड आवर सराउंडिंग नीट एंड क्लीन। सबसे पहले हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखना पड़ता है, ताकि हम उस गंदगी की वजह से बीमार ना पड़े, क्योंकि इर्द गिर्द अगर हमारी गंदगी होगी तो हम उससे भी बीमार पड़ सकते हैं। वी मस्ट ऑल्सो ईट बैलेंस डाइट। और हमें अपनी डाइट का, अपनी खुराक का भी अच्छा ख्याल रखना चाहिए। हमें अच्छे खाने खाना चाहिए और एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। एक्सरसाइज इज ऑल्सो नेसेसरी टू कीप आवर सेल्फ फिट। जबकि वर्जिश भी हमें अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए काफ़ी मुफीद होती है, और हमें रोजाना वर्जिश भी करनी चाहिए सेहतमंद रहने के लिए। सो वी मस्ट टेक एक्सरसाइज इन फ्रेश एयर डेली। हमें रोज़ ताज़ी फिज़ा में, खुली फिज़ा में एक्सरसाइज करनी चाहिए। वी शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ आवर आइज एंड टीथ। हमें अपने दांतों का, अपनी आंखों का भी ख्याल रखना चाहिए। वी मस्ट नॉट रीड इन डिम लाइट। अगर हम अंधेरे या थोड़ी सी कम रोशनी में पढ़ेंगे तो ये हमारी आंखों को इफेक्ट करती है, इसलिए हमें चाहिए कि हम तेज़ रोशनी में पढ़ें, ताकि इससे हमारी आँख महफूज रहे, हमारी आँखें ख़राब ना हों। वी मस्ट ब्रश आवर टीथ रेगुलरली। हमें अपने दांतों की रोज़ाना सफाई करनी चाहिए। वी मस्ट नॉट ईट स्टेल थिंग्स। स्टेल मतलब बासी। हमें बासी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होती हैं अक्सर। वी शुड नेवर ईट सच स्वीट्स एंड फूड विच आर नॉट प्रॉपरली कवर्ड। हमें ऐसे खाने या कोई भी गज़ा नहीं खानी चाहिए जो बाकायदा तौर पर ढकी हुई ना हो। अक्सर देखा गया है बच्चे बाहर की चीज़ें खाते हैं जो कि प्रॉपरली कवर्ड नहीं होती, इसलिए बच्चे फिर बीमार भी हो जाते हैं उन बैक्टीरिया और जरासीम की वजह से। तो हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि अच्छी सेहत को कायम रखने के लिए। इफ़ वी फॉलो दीज रूल्स वी विल बी एबल टू कीप आवर सेल्फ हेल्थी। अगर हम इन उसूलों पर अमल करेंगे तो हम खुद को सेहतमंद रखने में इंशाल्लाह कामयाब होंगे। इट इज़ ऑल्सो अ फेमस सेइंग दैट आफ्टर लंच रेस्ट अ वाइल एंड आफ्टर डिनर वॉक अ माइल। ये भी एक बहुत पुरानी कहावत है कि ये जो दोपहर के खाने के बाद है थोड़ा सा आराम करना चाहिए, और रात के खाने के बाद इतना चलना चाहिए जितना कि एक मील के बराबर चलना चाहिए रात के खाने के बाद। क्योंकि अक्सर होता क्या है, रात में लोग खाना खाते हैं और उसके फौरन बाद सो जाते हैं, वो वॉक नहीं लेते। जब ये कहा गया है कि आफ्टर लंच रेस्ट अ वाइल, ये दोपहर के खाने के बाद थोड़ा सा आराम करें, और रात के खाने के बाद इतनी वॉक करें कि एक मील के बराबर, एक मील आप वॉक करें ताकि आपने जो खाना खाया है वो हज़म हो जाए। क्योंकि बाद अवकात खाना हज़म नहीं होता, इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से आप बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए ये कहा गया है वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज टू कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी। वॉक करना भी जो है ये एक बेहतरीन एक्सरसाइज है, ये हमें फिट एंड हेल्दी रखती है। देयर इज़ अनदर पॉपुलर प्रोवर्ब, एक और मशहूर कहावत है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक अ पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। मतलब रात को जल्दी सोने जाओ और सुबह सवेरे जल्दी उठो, ये हमें ना सिर्फ सेहतमंद, दौलतमंद और अकलमंद भी बनाएगी। अगर आप जल्दी सोते हैं रात में और जल्दी सुबह सवेरे उठते हैं, तो इससे आपका जहन भी अच्छा होता है, तेज़ होता है, और ये आपको हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बनाएगा, यानी कि सेहतमंद, दौलतमंद और अकलमंद। अ हेल्दी पर्सन कैन एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। ज़ाहिर है एक इंसान जो सेहतमंद होता है वो कुदरती मनाजिर को भी बआसानी उससे लुत्फानंदोज़ होता है। एक ऐसा शख्स जो बीमार हो उसे किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं होती, वो किसी चीज़ से लुत्फानंदोज़ नहीं होता, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसकी सेहत ख़राब होती है।
सो वी मस्ट ट्राई टू मेंटेन गुड हेल्थ, तो हमें चाहिए कि हम एक अच्छी सेहत के लिए कोशिश करते रहें, एक अच्छी सेहत को मेंटेन या बरकरार रखने के लिए जो उसूल बताए गए हैं उन पर अमल करें। साउंड माइंड इज अ साउंड बॉडी मीन्स व्हेन आवर बॉडी इज डिजीज माइंड इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय इट, कि अगर आपकी जो बॉडी है यानी कि आप अगर सेहतमंद नहीं हैं, बीमार हैं, तो इससे आप थोड़े से चिड़चिड़े टाइप के हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि एक अच्छी सेहत का होना इतना ज़रूरी है क्योंकि ये फिर आपके माइंड को भी अफेक्ट करती है। मोस्ट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ नीड फॉर बैलेंस डाइट, देखा गया है आमतौर पर लोग एक बैलेंस डाइट को नहीं अपनाते, उनका जो दिल चाहता है वो खाते हैं पीते हैं और जो उनकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होती है। इट इज़ अ यूनिवर्सल एक्सपीरियंस दैट द पीपल हु ईट अ सिंपल एंड बैलेंस डाइट लीड अ हेल्दी लाइफ, और ये बहुत मुशाहदे की बात है कि जो लोग सिंपल और बैलेंस डाइट लेते हैं वो काफ़ी सेहतमंद रहते हैं और एक लंबी जिंदगी गुजारते हैं। Nowadays people cannot resist going to fast food restaurant and food streets where the food has less nutrient value from the point of view of the calories. आजकल क्या हो गया है लोगों को कि वो बाहर के खाने जंक फूड जो है उसका इस्तेमाल अपनी जिंदगी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो सेहत है और उसमें क्या कैलोरीज उनको लेनी है, क्या विटामिन, क्या प्रोटीन, तो उनका वो बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, एक बैलेंस डाइट नहीं लेते, जंक फूड खाते हैं और ये भी इससे सेहत काफ़ी मुतासर होती है। दे डोंट इवन नो दैट कोलेस्ट्रॉल एंड ओवर ईटिंग कैन लीड इन टू फैटल डिजीज, और वो ये नहीं जानते कि अगर हम हद से ज़्यादा खाएंगे ये हमारी मौत का बायस भी बन सकता है। द वर्ल्ड इज नाउ ड्रोन इन दिस बैड हैबिट, अब ये पूरी दुनिया इसमें मुब्तला हो चुकी है इस तरह के खाना खाने में और जंक फूड खाने की आदि हो चुकी है। एक्सेस ऑफ एनी थिंग इज़ बैड, हर चीज़ अगर हस्ते तजावज कर जाए तो वो बुरी होती है। आजकल लोगों का ये बस समझने के ये बाहर जाना और बाहर की चीज़ें खाना ये लोगों का एक मामूल बन चुका है, जो कि बहुत बुरी आदत है, बहुत बुरी चीज़ है। नाउ द लाइफ रेट ऑफ पीपल इज डिक्रीजिंग ओइंग टू अ लेजी एंड इनएक्टिव लाइफस्टाइल, जाहिर है जब ये बाहर की चीज़ें खाते हैं उल्टी सीधी तो इससे क्या हो रहा है, उनका लाइफ स्टाइल जो है, लिविंग स्टैंडर्ड जो है, ये सब कुछ जो है सुस्त और लेजी होते जा रहे हैं। एंड एन इम्बैलेंस डाइट, ये सब इम्बैलेंस डाइट की वजह से। वी हैव टू चेक आवर डाइट एंड मेक श्योर दैट आवर ईटिंग हैबिट्स आर हेल्दी, हमें इस बात का यकीन बनाना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी आदतें अच्छी हों ताकि हम सेहतमंद रह सकें। इट इज़ राइटली सेड बाय एन अमेरिकन फिलोसोफर एंड पोएट मिस्टर आर डब्ल्यू इमर्जन दैट द फर्स्ट वेल्थ इज हेल्थ, अमरीका के एक मशहूर फिलोसोफर ने कहा है जिनका नाम मिस्टर आर डब्ल्यू इमर्जन है कि द फर्स्ट वेल्थ इज हेल्थ, तो इंसान की सबसे पहली जो दौलत है ना वो उसकी सेहत है। ये जो दुनियावी दौलत है ये दौलत नहीं है, जो अल्लाह की दी हुई सेहत है ये इंसान के लिए पहली दौलत है उनके नज़दीक। स्टूडेंट ये था ऐसे हेल्थ इज वेल्थ, नाउ लेट्स वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट ऐसे which I have given to you, that is blessing of science. Science is a curse or blessing. Science कितने हमारी ज़िंदगी को किस तरह से आसान बनाया और वो हमारे लिए किस तरह से ब्लेसिंग है और बाज़ार एक कर्ज भी है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। सो स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर ऐसे आ चुका है ब्लेसिंग ऑफ साइंस, साइंस इज़ अ ब्लेसिंग और कर्स। तो साइंस हमारे लिए क्यों एक नेमत के तौर पर साबित होती है और इसकी क्या क्या नुकसान होते हैं ऐसे के अंदर मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आज हम जो अपने माशरे में जी रहे हैं, दुनिया में जी रहे हैं, ये साइंस से घिरी हुई दुनिया है, मतलब कि हम साइंस से इन शॉर्ट कहें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर गिरे हुए हैं। वी सी मैनी वंडरफुल इन्वेंशन अराउंड अस, हम अपने नज़दीक इर्द गिर्द जदीद इजादात देखते हैं, देयर नंबर्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, और उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रेडियो, टेलीविजन, मोटर कार्स, रेलवे इंजन, एरोप्लेन, एयरप्लेन, शिप, कैमरा एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स सच एज रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कंप्यूटर, कैलकुलेटर एंड टेलीफोन एक्सेट्रा आर वेरी यूजफुल एंड वंडरफुल साइंटिफिक इन्वेंशन, ये सारे जितने भी नाम मैंने पढ़े जैसे कि कैमरा, रेडियो, टीवी,
एरोप्लेन, शिप, कैमरा से लेकर कैलकुलेटर, टेलीविजन, ये सारी साइंस की बेहतरीन इजादातों में से एक है, इजादात में से एक है, सॉरी। दीज इन्वेंशंस हैव मेड आवर लाइफ इजी, इन सारी इजादात ने हमारी जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है और बहुत दिलचस्प भी बना दिया है। दे हैव चेंज द वे ऑफ आवर थिंकिंग एंड लिविंग, इसने हमारा पूरा लिविंग स्टैंडर्ड चेंज करके रख दिया है। हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस और मेरिट्स ऑफ साइंस। इंपॉर्टेंस मतलब साइंस क्यों जरूरी है और इसके क्या फायदे हैं। देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ साइंस, साइंस के बहुत से फायदे हैं। इट हैज हेल्प टू हेल्प द ब्लाइंड टू सी, साइंस की वजह से आज ये एक जो अंधा होता है, नाबीना होता है, उसे देखने के लिए, जैसे पहले ज़माने में जो कुछ भी नहीं होता था, जब से साइंस ने तरक्की की है, अब हम हमारे पास लेंसेज हैं, हार्ड कॉन्टेक्ट लेंस लगा सकते हैं हम, सॉफ्ट लेंसेज होते हैं, ग्लासेज होते हैं, स्पेक्टिकल्स, तो ये सब साइंस की मेहनत और कावशों का ही नतीजा है। द डीप टू हेयर एंड द लेंथ टू वॉक, अब जैसे जो शख्स बहरा होता है, कुछ लोग बहरे होते हैं, उनके लिए एक मशीन तैयार की गई जिसकी मदद से वो आसानी सुन सकते हैं। लेंथ टू वॉक यानी कि ऐसे लोग जो चल नहीं पाते, जो माजूर होते हैं पैरों से, तो साइंस की वजह से आज वो चलने के काबिल भी हो चुके हैं। द इनवैल्यूएबल हेल्प रेंडर्ड बाय द फिजिशियन टू द सफरिंग ह्यूमैनिटी इज हाईली प्रेज़वर्थी, जितने भी फिजिशियन हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जितनी मेहनतें की हैं, ये काबिले तारीफ है और ये डेमोक्रेसी के हकदार हैं। ग्रेट रिसर्चेज हैव बीन मेड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, बहुत सी रिसर्च की गई हैं मेडिसिन के हवाले से, मेडिसिन फील्ड के अंदर दवाइयों के ऊपर बहुत सी रिसर्च की गई हैं। ऑपरेशन हैव बिकम पेनलेस, आजकल जो ऑपरेशन है वो बिल्कुल पेनलेस हो गए हैं, कोई दर्द कोई तकलीफ नहीं होती। ओइंग टू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डिस्टेंसेज हैव बीन रिड्यूस्ड एंड नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज आइसोलेटेड, जो आज ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम है, कम्युनिकेशन द वे ऑफ कम्युनिकेशन है, जैसे कि आजकल आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप, स्काइप, ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, जिससे ये जो पूरी दुनिया है, हम कहीं भी बैठे एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, कि दुनिया के किसी भी कोने में होते हुए, चाहे हम पाकिस्तान में हों, अमेरिका में हों, चाइना में हों, हम वहीं से बैठे बैठे एक दूसरे से बात कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये दुनिया जो है पूरी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ये अलग नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास वे ऑफ कम्युनिकेशन बहुत से आ चुके हैं ये साइंस की बदौलत। दीज डेज साइंस हैज मेड आवर ट्रैवलिंग इजी, कम्फर्टेबल एंड क्विक, साइंस ने हमारे जो ये सफ़र करने की जो चीज़ें हैं, इसको भी बड़ा आसान और आरामदेह बना दिया है। रेडियो एंड टेलीविजन आर नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट एंड एंटरटेनमेंट बट ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो टेलीविजन है, रेडियो हैं, ये ना सिर्फ हमारे ये एंटरटेनमेंट का जरिया बनती हैं, बल्कि हमें से इंफॉर्मेशन भी हासिल होती है। नो डाउट टेलीफोन, टेलीग्राफ एंड वायरलेस आर रेंडरिंग ग्रेट सर्विसेज टू मैनकाइंड, कोई शक नहीं इसमें कि टेलीफोन हो, टेलीग्राफ हो, वायरलेस सर्विसेज हों, ये इंसानों के लिए बहुत मुफीद साबित होती हैं। Electricity has lighted our houses and streets in the cities and villages. Electricity ये भी साइंस की एक इजादात है, जिससे हमारे घरों में रोशनी होती है, हमारी गलियां रोशन होती हैं, हमारे शहर में रोशनी होती है। It has made the working of machinery possible. Light की वजह से ही मशीनरी का जितना काम होता है, जितनी मशीनें चलती हैं, ये भी उसी के जरिए मुमकिन हुई हैं। It run fans, motor and other useful machine. लाइट की वजह से यानी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बहुत सी मशीनें चलती हैं, जैसे पंखे हो गए हमारे, मोटर्स हो गए, और भी दूसरी मशीनें चलाते हैं। इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर द यूज ऑफ मॉडर्न मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन एंड मैकेनाइज फार्मिंग हैज इंक्रीज द प्रोडक्शन 10 times। अब आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर फार्म के अंदर भी मशीनों का इस्तेमाल करके जो प्रोडक्शन है हमारी, जो फसलें हम उगाते हैं, काश्तकारी का जो निज़ाम है, उन मशीनरी के जरिए हम 10 गुना बढ़ा सकते हैं। पहले तो हमारे पास मशीनरी नहीं होती थी, तो हम इतनी फसल नहीं उगा पाते थे, लेकिन अब हमारे मशीन होने के वजह से हम ये 10 गुनी ज़्यादा फसल उगा सकते हैं। ये सब साइंस की बदौलत। द कंप्यूटर इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल इन्वेंशन ऑफ द 20th century। कंप्यूटर जो है वो 20वीं सदी की एक बहुत हैरत अंगेज इजादात में से एक है। इट हैज़ नाउ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, कंप्यूटर जो है हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। पीपल यूज इट इन वाइड वैरायटी ऑफ वेज, बोले से हर जगह इस्तेमाल होता है, ऑफिस में, घर के अंदर, हर जगह इसे इस्तेमाल किया जाता है। द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट इन कंप्यूटर इज अ रिवोल्यूशनरी स्टेप, और जब से कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट को मुतारिफ करवाया गया है, ये समझ लें एक इनकलाबी कदम था, जब ये इंटरनेट इंट्रोड्यूस हुआ था हमारे जिंदगी में, साइंस ने करवाया था। इट इज़ द फास्टेस्ट सोर्स ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के हर कोने से कोई भी मालूमात लेने का ये बेहतरीन जरिया है।
ये तो कुछ फ़ायदे थे जो साइंस के हवाले से मैंने आपको बताया, और इसी के हवाले से मैं आपको अब साइंस के, जाहिर हर चीज़ के अगर कुछ फ़ायदे होते हैं तो थोड़े से इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं, तो डिसएडवांटेज की बात करें, डिसएडवांटेजेस और डिमेरिट्स ऑफ साइंस। साइंस इज इंडीड अ ब्लेसिंग इफ़ इट इज़ यूज फॉर ह्यूमन वेलफेयर। साइंस एक अल्लाह की नेमत में से एक है अगर इसे इंसानों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए तो। बट साइंस इज अ टू एज वेपन, लेकिन साइंस से बहुत सी तबाहियाँ भी फैल रही हैं आजकल। द नेगेटिव यूज ऑफ साइंस ब्रिंग डिजास्टर टू द वर्ल्ड। साइंस का जो मिस यूज है, साइंस के जरिए जो नेगेटिव यूज हो रहे हैं आजकल दुनिया में, ये दुनिया के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो रही है। द प्रोडक्शन ऑफ डिस्ट्रक्टिव वेपन्स ऑफ वार लाइक एटम बम, साइंस की बजाय कि एटम बम बनाने में इंसान कामयाब हुए, हाइड्रोजन बम हो गया, न्यूट्रन बम, मिजाइल्स, रॉकेट एक्सेट्रा, इज द मिस यूज ऑफ साइंस। ये सारे जो साइंस के मिस यूज हैं। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू बॉम्ब्स वर ड्रॉप ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी। सेकेंड वर्ल्ड जो दूसरी जंग अजीम हुई थी उसमें दो एटम बम गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, जो कि जापान की सिटी में से एक हैं, which killed 150,000 people besides injuring countless person, जिसमें 1.5 लाख लोग मारे गए थे और उससे ज़्यादा जख्मी भी हुए थे। ऑटोमोबाइल सच एज कार, बसेज, मोटरसाइकिल एंड ट्रक्स आर ईजी, क्विक एंड चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बट देयर स्मोक काजेज एयर पोल्यूशन। अब ये जैसे बसें हैं, ये जो हमारी कार हैं, ट्रक्स हैं, ये जो मोटर कार सड़कों पर चलती हैं, ये हमारे लिए आसानियाँ तो पैदा करती हैं, लेकिन जो इसका धुआं जो फिज़ा में जाता है, इससे हमारी हवा में आलूदगी पैदा हो रही है। मोर ओवर दीज वहीकल्स किल अ नंबर ऑफ पर्सन डेली इन अ रोड एक्सीडेंट, जबकि इन गाड़ियों की वजह से रोज़ाना की तादाद में बहुत से लोगों के एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। फैक्ट्रीज आर मेकिंग मिलियंस ऑफ थिंग्स विच वी यूज डेली, बट दे ऑल्सो डिस्चार्ज मटेरियल दैट पॉल्यूट एयर एंड वाटर। जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में मशीनें चलती हैं, ये भी हमारे लिए काम की चीज़ें बनाती हैं, लेकिन उसका जो फैक्ट्री से निकलने वाला वेस्टेज मटेरियल जो होता है, ये हमारे पानी को और हमारी फिज़ा को ये भी आलूदा करता है। नो डाउट एयर एंड वाटर पोल्यूशन अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। इसमें कोई शक नहीं कि अगर हवा में आलूदगी हो, पानी में आलूदगी हो, तो ये हम इंसानों की सेहत को मुतासर करती है एंड काउज मैनी डेंजरस एंड फैटल डिजीज, और इससे हमें बहुत सी खतरनाक बीमारियाँ भी हो सकती हैं। द एरोप्लेन इज़ अ वंडरफुल इन्वेंशन ऑफ 20th century, 20वीं सदी की एक हैरतअंगेज जहाज है, बट इट इज़ अ सोर्स ऑफ ग्रेट डेंजर टू मैनकाइंड व्हेन इट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर बॉम्बिंग एट ओपन टाउन्स एंड सिटीज। जहाज जो है ये भी साइंस की हैरतअंगेज जहाज है, अगर इसका सही इस्तेमाल हो तो ये हमारे बहुत काम आता है, लेकिन अगर इसी से इसको जंग के लिए इस्तेमाल किया जाए और खुले फिजा में बम ड्रॉप किया जाए इससे, तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित होते हैं। टेलीविजन इज़ अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज, बट इट कंज्यूम्स अ ग्रेट डील ऑफ प्रेशियस टाइम। टेलीविजन जो है ये हमारे लिए एंटरटेनमेंट और नॉलेज हासिल करने का एक बेहतरीन जरिया तो है, लेकिन जब हम टीवी के आगे बैठते हैं तो अपना बहुत सा कीमती वक्त ज़ाया कर देते हैं, ये हमें पता भी नहीं चलता। स्टूडेंट्स नेगलेक्ट देयर स्टडीज व्हाइल एंजॉयिंग देयर फेवरेट प्रोग्राम। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये अपनी पढ़ाई को भी नज़रअंदाज कर देते हैं जब उनका कोई फेवरेट प्रोग्राम आ रहा होता है टीवी पे। द प्रोग्राम्स ऑफ वल्गैरिटी एंड वायलेंस आर डिमोरलाइजिंग पीपल, पर्टिकुलरली द टीनेजर। जो वल्गैरिटी शोज होते हैं, जो ये सारे शोज होते हैं, इससे टीनेजर हमारी बहुत मुतासर हो रही है और उनके लिए अच्छी चीज़ें नहीं है वो। अनएथिकल कॉन्टेंट जो आजकल टेलीविजन पर दिखाते हैं, ये हमारे टीनेजर और छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। मोर एवर आई साइट ऑफ अ व्यूअर इज अफेक्टेड इफ ही और शी वॉचेस टीवी फ्रॉम अ शॉर्ट डिस्टेंस। जबकि हमारे बच्चों की और हमारी खुद की भी आई साइट ही मुतासर होती है अगर हम टीवी जो है बहुत कम फासले से देखें तो। कंप्यूटर इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन, बट इट इज ऑल्सो बींग यूज फॉर वीडियो गेम्स बाय द चिल्ड्रन। कंप्यूटर जो है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन तो है, लेकिन आजकल बच्चे क्या करते हैं, इसमें गेम्स खेलते हैं एंड स्टूडेंट नेगलेक्टिंग देयर स्टडीज और कंप्यूटर पर गेम खेलते हुए अपनी पढ़ाई को मुतासर करते हैं। टेलीफोन पर्टिकुलरली मोबाइल फोन आर बीइंग यूज्ड बाय द क्रिमिनल्स एंड टेररिस्ट फॉर कमिटिंग क्राइम। जहाँ तक टेलीफोन और मोबाइल फोन की बात करें तो ये हमारे लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन जो क्रिमिनल्स हैं जो ये मिसयूज़ करते हैं इसका और क्राइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। थस वी कैन से दैट दी साइंटिफिक इन्वेंशन आर यूजफुल
as well as harmful, and certainly we cannot ignore their demerits, but the progress of science has not stopped and it is still going on. लिहाजा हम ऐसा नहीं कह सकते जो जितनी भी साइंसी इजादात की हैं इसके हमें फ़ायदे तो बहुत हासिल हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसके नुकसान भी बहुत हैं। हम इसके जो नुकसान हैं इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जबकि साइंस की जो इजादात हैं वो अभी रुकी नहीं है, ये स्टिल गोइंग ऑन है और भी साइंस इजादात करने में लगा हुआ है। इट इज़ ऑलमोस्ट कॉन्करेंट द अर्थ, तकरीबन साइंस ने जो है अर्थ के ऊपर तो गालिब आ गई, यानी हमारी ज़मीन पर तो उन्होंने इतनी रिसर्च कर ली है कि इस पर गालिब है। ओशंस एंड द मून, चांद तक भी जो है साइंटिस्ट पहुंच चुके हैं। नाउ दे आर स्ट्रगलिंग हार्ड फॉर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ स्पेस, अब वो चाहते हैं कि स्पेस में भी जाकर कुछ रिसर्च करें और वहां पर भी अपना कदम जमाएं। लेट अस होप एंड प्रे दैट मैन कंटिन्यूज टू क्रिएट मोर वंडरफुल थिंग्स फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जायदाद होती रहे आगे भी, बट इससे इंसानों का अच्छा हो, कोई नुकसान ना हो। So students, now we'll move on to